साहब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना खुश क्यों हूँ, तो कोई बात नहीं है, बस मैं ऐसे ही रील्स बना रही थी तो उसी का प्रैक्टिस कर रही थी कि कैसी रील्स बनती है। तो रील्स तो बहुत ही अच्छी बन गई, चलिए मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं सोच रही थी कि कुछ रील्स बना लूँ, तो मैंने एक दो रील्स बना भी लिया है और उसे अपलोड भी कर दिया है इंस्टाग्राम पर। तो मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो हो सके तो आप प्लीज़ वहाँ भी मुझे फॉलो कर लेना, ये कहना चाहती थी मैं आपसे। और फ्रेंड्स अभी मुझे खाना बनाना है और फिर बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा, ये तो आप लोग को पता ही, हर रोज़ का यही काम है मेरा। तो ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये ड्रेस पहनी तो मुझे लगा कि मैं एक दो रील्स बना लूँ, वैसे मैंने इस ड्रेस पर और भी रील्स बनाए हैं, तो आज मैंने एक दो रील्स अपलोड कर दिया है। और अभी मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखलाऊंगी कि हमने राखी कैसी कैसी ली है। तो फ्रेंड्स अभी मैं बैठ गई हूँ कुर्सी पे क्योंकि मैं थक गई, क्योंकि अभी जस्ट फ्री हुई और उसके बाद तैयार हुई और रील्स बनाई, तो फिर सोची कि मैं ब्लॉग के लिए भी कुछ बना लूँ, क्योंकि हर रोज़ मैं घर पे ही रहती हूँ, बच्चों को लाना, उन्हें छोड़ना, बच्चों के लिए खाना बनाना, फिर कुछ ज़रूरी वैसा काम हुआ तो करना, बाकी अभी तो मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ। और अब हमारा रक्षाबंधन आ रहा है तो दुकान से हम लोगों का राखी आ गया है, मैं आपको दिखलाऊंगी कि हमने कैसी कैसी राखी मंगवाई है। तो हम लोग का गांव पे अपना दुकान है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने राखी की शॉपिंग की या नहीं, क्योंकि 31 को ही रक्षाबंधन है, और आप कब रक्षाबंधन मना रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इधर तो हम 31 को ही मना रहे हैं, क्योंकि 30 को रात में 9:00 से रक्षाबंधन का जो मुहूर्त होता है वो स्टार्ट हो रहा है और 31 तक रहेगा, लेकिन सुबह में ही लोगों का कहना है कि सुबह सुबह ही राखी बांध देने से अच्छा रहेगा। तो हम तो जल्दी ही उठेंगे, बच्चों को भी मैंने कह दिया है कि जल्दी से उठना, नहा धोकर पहले हम राखी बंधवा लेंगे, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो आप लोग भी हो सके तो सुबह सुबह का ही मुहूर्त बहुत अच्छा है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा। और बाकी तो फिर जिसे कहीं आना जाना होगा तो उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम घर में अगर रक्षाबंधन मना रहे हैं तो वो तो हो सकता है, क्योंकि घर में हम आराम से कर सकते हैं समय पर। तो आप भी सुबह सुबह ही करवा लीजिएगा रक्षाबंधन का प्रोग्राम, और मैं भी बच्चों को बोल दी हूँ और देखते हैं बच्चे उठते हैं या नहीं, ये तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश करूँगी उन्हें उठाने का, क्योंकि हर रोज़ स्कूल जाने के लिए तो उठते ही हैं, तो उठ ही जाएंगे ये तो मुझे पता है, थोड़ा सा परेशानी होगा लेकिन उठ के तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपको राखी दिखलाती हूँ कि हमने कैसी कैसी राखियाँ मंगवाई है, बहुत ही प्यारी प्यारी है, बहुत ही सुंदर। तो चलिए मैं आपको दिखलाती हूँ। फ्रेंड्स मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे कि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी मुझ में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के पास ला सकूँ, शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए और प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, और हर रोज हमें टेंशन होता है कि आज किस चीज़ की वीडियो डालें, और एक आदत सी हो गई है, ना करने पर लगता है कि कुछ छूट रहा है। तो देखिए बहुत सारी राखियां हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कितनी सारी राखियां किस लिए, तो और भी राखी है क्योंकि बहुत सारी राखियां मिली हैं, राजा और लल्ला के बहुत सारी बहन है तो सबने राखी भिजवा दिया है। और यहाँ देखिए ये लल्ला के लिए है, ये बाइक बना हुआ है, तो इसे मैं निकाल कर तो अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि ये पैक किया हुआ है, और जब लल्ला के हाथों में बंधेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स एरोप्लेन, और ये छोटे से गणेश, हमारे गणेशा जी हैं। और ये देखिए ये बहुत ही सुंदर है, इसमें देखिए फ्रेंड्स मोर पंख जैसा बनाया हुआ है, और थोड़ा सा आपको परेशानी होगा क्योंकि मेरा मोबाइल जो है थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण वीडियो भी सही से नहीं आ पाती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा वीडियो मतलब बना सकूं। और ये देखिए एक राखी मैं अपने लिए रखी हूँ क्योंकि मैं गणेश भगवान को हर साल रक्षाबंधन पर राखी चढ़ाती हूँ, उन्हें बांधती हूँ, तो जब राखी आया था तो। और ये देखिए फ्रेंड्स ये लुम्बा है, मेरी बड़ी ननद ने दिया है, क्योंकि वो यहाँ नहीं है, वो कहीं है तीर्थ यात्रा पर उज्जैन, तो इसीलिए उन्होंने दे दिया कि नहीं आ पाएंगे 31 तारीख तक, इसलिए मुझे खुद से ही अपने चूड़ी में बांधना होगा। तो अभी तो इसे मैं रख देती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा, इतनी इतनी सारी राखियाँ हैं।
और लल्ला को तो बहुत सारी राखियाँ बांधनी पड़ेगी और राजा को भी, क्योंकि बहुत सारी दीदी हैं लल्ला की। तो सभी रक्षाबंधन के दिन लल्ला और राजा के हाथ पे आपको नज़र आएगा। और एक राखी मैं इसमें से रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं रक्षाबंधन पे गणेश भगवान को बांध। तो फ्रेंड्स, सारी राखियाँ मैंने पैक करके रख दी, क्योंकि अब परसों ही रक्षाबंधन है। तो कल मैं जाऊँगी मार्केट, तो बच्चों के पसंद का मिठाई ले लूँगी और भोग लगाने के लिए भी भगवान को ले लूँगी। तो फ्रेंड्स, हम हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन जिनके भाई नहीं होते उन्हें कैसा लगता होगा, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ। इसलिए मैं गणेश भगवान को ही अपना भाई मानती हूँ और उन्हें ही राखी के दिन राखी बांधती हूँ, और उन्हीं से मैं सब कुछ मांगती हूँ, क्योंकि देने वाले तो वही हैं। इंसान से आप कितना भी मांगो वो नहीं दे सकता, लेकिन भगवान भी ना मांगे दे देते हैं। तो इसलिए मैं हर साल अब गणेश भगवान को ही राखी बांधती हूँ। फ्रेंड्स, जब मैं छोटी थी और रक्षाबंधन आता था, तो हम जाते थे राखी बांधने अपने फुआ के बेटे को, और भी जितने थे, जितने भाई रिश्ते में लगते थे, सभी को राखी बांधते थे। बहुत खुशी होती थी, अगर 150 मिल भी जाए तो बहुत खुशी होती थी। ये रुपये मिलने की खुशी नहीं होती थी, ये लगता था कि चलो हम अपने भाई को राखी बांध रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया, समझ में आता गया कि जो अपना भाई होता है वो अपना होता है। रिश्तेदार को आप कितना भी कर लो, कितना भी भाई मान लो, लेकिन वो कभी अपना नहीं हो सकता। और शादी के बाद फिर मैं के जाना बहुत कम हो गया और नहीं जा पाती थी मैं।